हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गुड मॉर्निंग तो हो चुका है, हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है। अब ये गुड आफ्टरनून हो रहा है, सो ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड आफ्टरनून। एंड अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। नाश्ता तो मैंने कर लिया, मैंने आपको नाश्ता नहीं दिखाया, मैंने क्या किया, चलिए खाना ज़रूर दिखाती हूँ मैं आज क्या खाने वाली हूँ। और वो है मेरा थोड़ा थोड़ा फेवरेट, मतलब मुझे पसंद है। वैसे क्या होता है ना, लोग दाल नहीं खाते, ये नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, पर आज जो मैंने दाल बनाया है वो दाल मुझे पसंद है। बता देती हूँ मैं, वो मिक्स दाल है, मिक्स दाल मुझे काफ़ी पसंद है। उसके साथ जो सब्ज़ी है वो भी मुझे पसंद है। और मैं इस दाल और सब्ज़ी के बारे में आप लोगों को खाना बनने के बाद बताती हूँ कि ये मुझे क्यों पसंद है। और मुझे इस दाल के साथ स्पेशली जो सब्ज़ी मैंने बनाई है वही सब्ज़ी पसंद है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अभी। तो अभी चावल तो धुल गया है, मैं चावल को लेकर चलती हूँ कुकर में डालने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीज़ भी बता देती हूँ। अब आप ये देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है। और ये हमारी जो राइस बन रही है, इसमें क्या करना है कि घी घोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख सकते हैं ना, इतना लिया इसमें डाल दिया। ठीक, अब इससे क्या होने वाला है, इससे होने ये वाला है कि जो ये मेरा चावल है ये जब बन के तैयार होगा तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मेली, मतलब इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा चावल। कि कभी आपका चावल जो है वो कभी कभी क्या होता है, चावल देर तक रखा जाता है तो चावल जल जाता है, इससे क्या होगा चावल बिल्कुल भी जलेगा भी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी स्मेल के साथ चावल तैयार होगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ बन जाए चावल को। ये जो सब्जी है इसको मैं गर्म कर ले रही हूँ, और जो ये हमारा साग है इसको मैं गर्म कर ले रहा हूँ, हम दोनों को गर्म कर ले रहे हैं। तो हमारी ये सब्जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये सब्जी पता होगी, कौन सी सब्जी है बताइएगा आप लोग ज़रूर, अगर जिनको पता होगी। और इस साग के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कौन सा साग है ये, इसमें दिखने में भी आ रहा है, इसके पार्टिकल जिसे आप लोग समझ सकते हैं वो ये है। तो बताइएगा अगर आपको समझ में आया कि कौन सा साग है। वैसे मुझे पसंद है, मुझे ये साग और ये सब्जी, मुझे मिक्स दाल के साथ ये दोनों ही बहुत पसंद है। तो तब तक के लिए मेरी सब्जी और साग गर्म हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं दाल के तड़का को रेडी करने के लिए मैंने तेल ले लिया है। अब मैं इसमें लूँगी ये लहसुन और मिर्ची, मैंने इसमें लहसुन और मिर्ची डाल दी है। देखिए तड़के को रेडी करने के लिए मैं इसमें लूँगी इतना सा जीरा, वो मैंने डाल दिया है। और जो लास्ट इन्ग्रीडियंट है वो है ये हींग, वो मैं अभी बाद में डालूंगी। तो तड़का तो लगभग होने ही वाला है, गैस को मैं कर देती हूँ ऑफ और डाल देती हूँ इसमें ये जो हींग मैंने लिया है। क्या होगा कि ये हींग अच्छे से जलेगा भी नहीं और इसमें पक जाएगा। मैं ना तड़के में बहुत ज़्यादा फोकस हींग पे करती हूँ। तो अब देखिए मेरा जो दाल है उसमें मैं लगाऊंगी इस तड़के को। ये देखिए भाई साहब, तड़के वाली दाल देख पा रहे आप लोग, मिक्स दाल। तो ये मिक्स दाल तड़के वाली है, और इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इस दाल के साथ वही सब्जी क्यों खाती हूँ। तो इसकी कहानी मैं आपको खाते खाते बताऊंगी, तब के लिए इसको करते हैं बंद यहीं पे। ये हमारा चावल भी यहीं बन के रेडी हो चुका है। आहा क्या खुशबू आ रही है चावल से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गरम गरम खाना निकालते हैं अपना। ये हमने निकाली सब्जी, ये इस पे निकाल, ये साग, साग ये मैंने साग निकाला। चलिए दाल निकालते हैं हम। वही हमने देखा हमारा कुकर भी खुल चुका है, तो दाल को हटाया जाए और कुकर को पास मिलाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या स्वादिष्ट चावल बना हुआ है, मतलब एकदम ही मज़ेदार। मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मिनी मोगरा, और हम लोग मिनी मोगरा इसलिए खाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलो ज़रा सा गिर गया, चलिए कोई बात नहीं। ये हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि ये इजली डाइजेस्ट होता है ना, ये इजली डाइजेस्ट होता है। एकदम चावल से स्टीम पे स्टीम निकला जा रहा है, एकदम गर्म गर्म राइस। और हमारा ये सैलड भी कट के रेडी हो चुका है। फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बैठ चुके हैं रूम में, अब सबसे पहले इसको खाते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है, फिर आपको भी बताते हैं। इसको साइड में करते हैं, एकदम गर्मा गर्म राइस। ये देखिए भाप निकलता हुआ एकदम, ये स्पेशल हींग दाल तड़का है मेरा, जो कि आप लोगों ने देखा ही है मैंने इसको कैसे फ्राई किया है। और ये देखने के लिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो देखिए कि मैंने दाल को कैसे तड़का लगाया है। वाह यम्मी, सो यम्मी यम्मी।
नहीं, ये दाल थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये दाल थोड़ा सा ऐसा ही अच्छा लगता है, अगर बहुत गाढ़ा रहेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। और हाँ, मैंने कहा था आपको इसके पीछे की जो स्टोरी है कि मैं ये इस दाल के साथ ये सब्ज़ी क्यों खाती हूँ, तो मैं वो आपको बताती हूँ। क्या है ना, पहले मेरी जो दादी हैं वो अक्सर ये दाल और उसके साथ ये सब्ज़ी बनाया करती थी, तो हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे। और दादी क्यों बनाती थी तो नहीं बताया, बस ये बताया कि उन्हें बहुत पसंद है ये दाल के साथ ये सब्ज़ी। तो ऐसे लेते हैं और ऐसे खाते हैं। यहाँ से खीरा उठाएंगे, वाह मज़ा आ गया। प्लांट्स में एक तो बढ़िया लग रहा है, देखिए आप लोग। और स्पेशली मेरा ये रोज़ प्लांट ना, ये तो बहुत ही प्यारा है, इससे जो बर्ड्स हैं प्यारी प्यारी, और जो फ्लावर्स हैं वाह, मैं इसको लालच में तोड़ती भी नहीं हूँ। ये करी लीव्स कितने अच्छे से लग गया यार इस बार, तो जब हर बार क्या होता था इतने अच्छे से लगता नहीं था, इस बार ये बहुत अच्छा लग रहा है, झड़ जाते थे इसके पत्ते हर बार। ये देखिए ये प्लांट, ये ना सदाबहार, ये सदाबहार का ही मतलब उसी की एक वैरायटी है। देखिए वाइट कलर की है ये, और इस पर देखिए ढेर सारे फूल आए हुए हैं, वाह। ये चांदनी का प्लांट है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, इतने सारे फ्लावर्स आए हैं, वाह। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ फिर मैं अपनी ब्लॉग एंड करती हूँ, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सो बाय, टेक केयर गाइस, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, तभी मैं आपके लिए और सारे ढेर सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी।